नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। हिंदी और राष्ट्रभाषा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है और इस बार बहस के सूत्रधार बने हैं बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और कन्नड़ फिल्म अभिनेता किच्छा सुदीप। दोनों के बीच हुआ ट्विटर वॉर अब भले ही शांत हो गया हो, लेकिन इस विवाद ने लंबे समय से चल रहे एक सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है और वो सवाल ये है कि क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दरअसल किच्छा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। सुदीप की इन्हीं बातों पर अजय देवगन ने उन्हें निशाने पर लिया और ट्विटर पर कह डाला कि अपनी फिल्मों को हिंदी में डब क्यों करवाते हो, अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो फिर क्यों अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करवाते हो। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषा थी, है और हमेशा रहेगी। अजय देवगन की बात किस हद तक सही है और सच है यह जानना भी अब जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि जब इंडिया न्यूज की टीम ने अजय देवगन से बात की तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में हिंदी के बारे में क्या कहा। मगर ये एक और ट्रेंड हम देख रहे हैं आफ्टर आरआरआर, देयर हैज आल्सो बीन केजीएफ 2 की साउथ फिल्म्स आर रियली मेकिंग इट बिग। तो इस ट्रेंड, ये क्या ट्रेंड है या सच फिल्म्स हैं? साउथ फिल्म्स, नॉर्थ फिल्म्स, पंजाबी फिल्म्स, देयर ऑल वन फिल्म इंडस्ट्री। कल को अगर कोई पंजाबी फिल्म भी हिंदी में डब होगी, अगर वो बहुत अच्छी होगी तो वो भी ये बैरियर तोड़ेगी। तो इट्स जस्ट दैट दे आर डब्ड इन हिंदी एंड दे आर इंडियन फिल्म्स, तो बैरियर तो सिर्फ लैंग्वेज का होता है। तो जब वो बैरियर नहीं रहेगा तो फिर हर 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 स्टेट की फिल्में चलेंगी। ऐसा नहीं माना जाए कि दिस इज अ ट्रेंड और समथिंग, देयर इज नॉट, देयर इज नेवर एनी ट्रेंड। कोई ट्रेंड नहीं होता लाइफ में, कभी कोई ट्रेंड नहीं होता। क्या चल रहा होता है वो अब तक चल रहा होगा, कल क्या चलेगा किसी को नहीं पता। तो सुना आपने, साफ तौर पर अजय देवगन का भी ये कहना है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि ना सिर्फ हिंदी को लोग डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि हिंदी के माध्यम से कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भी एक डिवाइड करने की एक बू नजर आ रही है। साउथ इंडिया में हमेशा से होता रहा है। जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था तो 1965 में भी साउथ इंडियंस ने हिंदी का बहिष्कार करने की बात की थी, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उस जमाने में भी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने हिंदी का समर्थन करते हुए साउथ के 100 स्कूलों में हिंदी को कंपल्सरी लैंग्वेज करवाया था। खैर, उसके बाद आप बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, महात्मा गांधी की और बड़े बड़े नेताओं की, तो उन्होंने भी हमेशा से ही हिंदी का समर्थन किया है। और हमें इस बात को समझना होगा कि हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हमारे देश में इसके अलावा जहां हिंदी भाषी नहीं भी है वहां भी हिंदी को समझा जाता है और बोला भी जाता है। तो अब हिंदी की क्या ताकत है, हिंदी किस तरह की भाषा है, इस पर कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि कोई उसका बहिष्कार करे और उसे यह कहे कि हिंदी राष्ट्रभाषा या मातृभाषा नहीं है। हमारा देश यूनिटी इन डायवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, यानी अखंडता में भी एकता नजर आती है। इतनी सारी बोलियां हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे कपड़े हैं, परिधान है, भाषाएं हैं, फूड है, कल्चर है, संस्कृति है, बावजूद इसके हमारा देश भारत अखंडता में एकता को लेकर जाना जाता है। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भाषा पर या किसी कल्चर पर कभी कोई सवाल उठे, क्योंकि बेशक देश में बहुत सारी बोलियां हो और भाषाएं हो, लेकिन सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। ये हमें याद रखना चाहिए और ये हमारे अलावा साउथ इंडियंस को भी याद रखना चाहिए कि देश के किसी भी कोने में आप क्यों ना चले जाएं, बेशक हिंदी भाषा बोलने वाले आपको ना मिले, लेकिन हिंदी समझने वाले आपको जरूर मिल जाएंगे। तो इसलिए हिंदी को ऑफिशियल तौर पर राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है या नहीं मिला है, यह एक अलग सवाल हो सकता है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा है ये हम जानते हैं और इसका समर्थन भी करते हैं। खैर दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस विवाद से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।